Hello students, I am my teacher from Paras English School. Today I am going to teach you subject ENV assignment. Fill in the blanks. अपनों ने देखी थी children. अपनों ने यहाँ से 1 number, 2 number, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और अभी यहाँ पे है मैच द फॉलोइंग. फिर अपनों ने ये देखा था, वन भी देखा था, टू भी देखा था. अब स्टार्ट करेंगे थ्री नंबर से. कहाँ से स्टार्ट करेंगे? थ्री नंबर से. मैच द फॉलोइंग. ए वन है पैरोट, पी डबल आर ओ टी पैरोट. टू नंबर में ओ डब्ल्यू एल आउल. थ्री नंबर डी यू सी के डक. फोर नंबर में टेलर बर्ड, क्या नाम है? टेलर बर्ड. फाइव नंबर में है कॉक. फिर यहाँ पे दिया है बी में वेपर नेस्ट हैज ऑरेंज बैग्स, हैज रेड बैग, कैन सी एट द नाइट, प्रोवाइड चिक्स टू ईट. अब आंसर है चिल्ड्रन, वन नंबर में दिया है पैरोट, तो पैरोट का आंसर रहेगा सी, हैज रेड बैक. तो उसकी जो बैक साइड होती है वो कैसी होती है? रेड होती है. पैरोट की बैक साइड रेड होती है. आउल, आउल टू नंबर में आउल दिया है तो डी. कैन सी एट द नाइट, वो रात का राजा होता है. कैन सी एट द वो रात में नाइट में जगता रहता है. उल्लू, जिसको उल्लू का पट्टा भी वो. सी में है डक, डी यू सी के डक. तो डक में थ्री नंबर में आएगा बी, हैज ऑरेंज बैग. डक के हमेशा ऑरेंज बैग होते, क्या होते हैं? बैग. फिर फोर नंबर में है टेलर बर्ड, क्या है? टेलर बर्ड. वी वेयर नेस्ट, वो कैसे रहता है? टेलर बर्ड अपने नेस्ट में रहता है. फाइव नंबर में कॉक, तो सी आएगा, प्रोवाइड चिकन टू ईट. लोग क्या खाते हैं? कॉक यानी चिकन. सब लोग ईट यानी उसका फूड, उसका मांस खाते हैं. क्या खाते हैं? उसका मांस खाते हैं. वापस से समझाती हूँ. वन नंबर में पैरट, टू नंबर में आउल, थ्री नंबर में डक, फोर नंबर में टेलर बर्ड, फाइव नंबर में कॉक. फिर दिया है आप लोग को यहाँ पे दिया है वी वेयर नेस्ट, हैज ऑरेंज बैग, हैज रेड बैग, कैन सी एट द नाइट, प्रोवाइड चिकन टू ईट. तो पैरोट का आंसर आएगा सी, हैज रेड बैग. आउल का आएगा डी, कैन सी एट द नाइट. डक का आंसर आएगा, डक का आंसर जाएगा बी, हैज ऑरेंज बैग. टेलर बर्ड का आंसर वी वेयर नेस्ट. और कॉक का आंसर आएगा प्रोवाइड चिल्ड्रन टू ईट. फिर यहाँ पे दिया है फोन नंबर में इज द फॉलोइंग, क्या दिया है? मैच द फॉलोइंग. तो वन नंबर एंग व्हील वो थ्री नंबर में दिया है पल्सिस, फोर नंबर में वाटर, फाइव नंबर में कुकिंग और सिक्स नंबर में फूड. एंग व्हील पल्सिस वाटर कुकिंग. और यहाँ पे दिया है बी में मैक्स एस स्ट्रॉन्ग, वेजिटेरियन फूड. मैक्स फूड टेस्टी, फूड कैसा होता है? टेस्टी होता है. सिक्योर्स ऑफ वाटर नॉन वेजिटेरियन फूड वी यूज इन डेली लाइफ, क्या है? वी यूज इन द डेली लाइफ, अपनी डेली लाइफ में, अपने डेली रूटीन में फूड यानी खाना अपने लिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उसके लिए देखो वापस से एक बार, आपको एग यहाँ पे दिया है वन नंबर में ए डबल जी एग. तो इसका आंसर आएगा ये नॉन वेजिटेरियन फूड, नॉन वेजिटेरियन फूड है वो. फिर टू नंबर विल, तो आंसर आएगा डी. तो यानी वी यूज इन द डेली लाइफ. तीन नंबर में पल्सिस है तो वेजिटेरियन फूड, ये कैसा फूड है? वेजिटेरियन फूड है. फोर नंबर में डब्ल्यू ए टी आर वाटर, तो ए डब्ल्यू टी आर वाटर है तो नहीं, सॉरी देखो एग का आंसर आएगा चिल्ड्रन नॉन वेजिटेरियन फूड आएगा. और इसमें डी दिया है, विल में दिया है तो ये आएगा सिक्योर्स ऑफ द वाटर, क्या आएगा? क्या आंसर आएगा? एग. तो एग में आएगा नॉन वेजिटेरियन फूड, विल में आएगा डी सिक्योर्स वाटर, पल्सिस में आएगा बी वेजिटेरियन फूड,
फोर नंबर वाटर में आएगा वी यूज इन द डेली लाइफ, फाइव नंबर में आएगा कुकिंग, आएगा मेक फूड टेस्टी, क्या आएगा मेक फूड टेस्टी यानी कुकिंग करते हैं तो कैसा टेस्टी टेस्टी खाना बनता है, सिक्स नंबर में आएगा फूड तो आएगा मेक एज स्ट्रॉन्ग यानी फूड कैसा होता है स्ट्रॉन्ग बनाता है इंसान को, कैसा बनाता है स्ट्रॉन्ग ताकतवर बनाता है। फाइव नंबर में दिया है मेज द फॉलोइंग, क्या दिया है मेज द फॉलोइंग। वन नंबर में दिया है टीचर टी ई ए सी एच ई आर टीचर, फिर टू नंबर में सी ओ डबल बी एल ई आर कॉबलर, थ्री नंबर में दिया है सी ए आर पी ई एन टी आर कारपेंटर, फोर नंबर में दिया है वॉशरमैन, क्या दिया है डब्ल्यू ए एस एच ई आर एम एन में वॉशरमैन। फाइव नंबर गोल्डस्मिथ यानी जो सोनार होता है उसको गोल्डस्मिथ बोलते हैं। अब यहाँ पे दिया है बी मैन मैक्स ओवर शूज, मैक फर्नीचर, टीचर इन द स्कूल, मैक ज्वेलरी, वॉश ओवर क्लॉथ। तो देखो टीचर का वन नंबर में दिया है टीचर, तो टीचर का काम क्या होता है टीच इन द स्कूल यानी टीचर का काम होता है चिल्ड्रंस को पढ़ाना टीचिंग करना। कॉबलर तो मेक मेड ओवर शूज, क्या करता है कॉबलर शूज बनाता है, क्या बनाता है शूज बनाता है। थ्री नंबर में कारपेंटर, मेक ज्वेलरी, कारपेंटर क्या करता है कारपेंटर सी ए आर पी ई एंटर कारपेंटर, तो कारपेंटर का काम होता है मेक द फर्नीचर, क्या करता है कारपेंटर फर्नीचर बनाने का काम करता है, फर्नीचर बनाता है। और वॉशरमैन तो यह आएगा वॉश ओवर क्लॉथ यानी वो वॉशिंग करता है क्लॉथ को। गोल्डस्मिथ यानी मेक द ज्वेलरी, क्या बनाता है ज्वेलरी बनाता है। टीचर तो टीचर का काम है टीच इन द स्कूल। कॉबलर का काम है मेड ओवर द शूज। कारपेंटर का काम है मेक द फर्नीचर और वॉशरमैन का काम है वॉश ओवर द क्लॉथ और गोल्डस्मिथ का काम है मेक द ज्वेलरी। अब अपने आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री है राइट वेदर ट्रू आर फॉल्स यानी राइट और रॉन्ग है, ट्रू यानी राइट फॉल्स यानी रॉन्ग। वन नंबर में दिया बर्ड्स मेक देयर नेस्ट अंडर द वॉटर, तो यानी कौन सा बर्ड्स है जो नेस्ट के अंदर वाटर में रहता है, ये आंसर तो गलत है। तो यहाँ लिखेंगे एफ ए एल एस ई फॉल्स, एफ ए एल एस ई फॉल्स, क्या आएगा एफ ए एल एस ई फॉल्स। बर्ड्स मेक देयर नेस्ट अंडर द वॉटर, तो ऐसा तो कोई प्राणी नहीं है जो नेस्ट के अंदर पानी में रहे वॉटर में, तो यहाँ पे फॉल्स। टू नंबर में वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव इन, तो यानी ट्रू इंसान का नीड यानी घर में हाउस में रहते हैं, तो टी आर यू ई ट्रू, क्या आएगा वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव इन द, लिव इन यानी ट्रू, क्या है टी आर यू ई ट्रू। थ्री नंबर में है मम्मी एंड आंटी डू नॉट वर्क एट द होम, मम्मी आंटी यानी क्या बोल रहे हैं मम्मी और आंटी घर का कोई काम करती नहीं है, तो ये बात क्या है बिल्कुल गलत है, क्या है तो यहाँ पे आएगा एफ ए एल एस ई फॉल्स, क्या है एफ ए एल एस फॉल्स यानी ये बात गलत है। मम्मी एंड आंटी डू नॉट वर्क एट द होम, तो मम्मी और आंटी कोई घर का काम करती नहीं, ये वाक्य यानी ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, तो अपने लिखेंगे एफ ए एल एस ई फॉल्स। फोन नंबर है वी गो टू स्कूल दिल्ली, तो राइट है, तो यानी बच्चे रोजाना वो दिल्ली स्कूल जाते, तो टी आर यू ई ट्रू, तो ये आंसर कैसा है चिल्ड्रंस राइट है। मैं आपको एक और बार रीडिंग करके बताती हूँ रिपीट करके। क्वेश्चन नंबर थ्री वराइट वेदर ट्रू एंड फॉल्स, ये आपका असाइनमेंट है, ई एन वी असाइनमेंट है, आपको इसकी प्रैक्टिस करना है क्योंकि 12 तारीख से आपकी एग्जाम स्टार्ट हो रही है। बर्ड्स मेक देयर नेस्ट अंडर द वॉटर, तो आएगा फॉल्स। टू नंबर में वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव इन, तो आंसर आएगा ट्रू। थ्री नंबर में है मम्मी एंड आंटी, मम्मी एंड आंटी डू नॉट वर्क एट द होम, तो आंसर ये आएगा फॉल्स। फोर नंबर में वी गो टू स्कूल डेली,
तो आएगा ट्रू, TRUE, ट्रू। अब यहाँ पे देखेंगे अपने, तो दिया है द लेपर्ड इज अ पेट एनिमल, तो ये आएगा उल्लू, यानी गलत है, पेट एनिमल नहीं है वो, तो वाइल्ड एनिमल है, कैसा है, जंगली, जंगली को क्या बोलेंगे, वाइल्ड। और पेट एनिमल किसको बोलते हैं, बकरी को, जिसको अपने पाल सकते हैं उनको पेट एनिमल बोलते हैं, और जो वाइल्ड एनिमल है, जो जंगली प्राणी, उनको वाइल्ड आएगा। तो ये वाला जो सेंटेंस है वो रॉन्ग है, इसके लिए यहाँ पे दिया FALSE फॉल्स, द लेपर्ड इज अ पेट एनिमल, तो नो फॉल्स आएगा, यहाँ पे रॉन्ग है ये। अब सिक्स नंबर में द फिश नीड वाटर टू द लिव इन, ट्रू, यानी फिश कहाँ में रहती है चिल्ड्रंस, वाटर में रहती, क्या में, वाटर में, वाटर की उसको ज़्यादा ज़रूरत होती है पानी की, तो यहाँ पे दिया है द फिश नीड वाटर टू लिव इन, तो आएगा ये सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग, तो यानी सेंटेंस राइट है TRUE, ट्रू। सेवन नंबर में द लायन इज द किंग ऑफ ऑफ ओवर द हाउस, तो ये भी सेंटेंस रॉन्ग है, लायन तो जंगल का किंग होता है, तो यहाँ पे जो हाउस का किंग बता रहे, तो ये वाला सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है, तो यहाँ पे लिखा है FALSE फॉल्स, द लायन इज द किंग ऑफ द ओवर, दिया है द लायन इज द किंग ऑफ ओवर हाउस, तो फॉल्स, यानी ये रॉन्ग सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। एट नंबर में दिया द डियर इज द वाइल्ड एनिमल, ट्रू, तो डियर जो है, हिरन जो है, वो भी वाइल्ड एनिमल है, वो भी जंगली प्राणी, वो भी जंगल में रहती है, तो द डियर इज द वाइल्ड एनिमल्स, तो TRUE, ट्रू, क्या बोलेंगे, ट्रू। फिर है नाइन नंबर में द मंकी जंप फ्रॉम ट्रू टू ट्री, यानी जो मंकी है वो क्या करता है, एक झाड़ पे से एक ट्री पे से एक ट्री पे क्या करता है, जंप करता है, तो क्या आएगा, ट्रू, ये क्या सेंटेंस क्या है, राइट है, तो द मंकी जंप फ्रॉम द ट्री टू ट्री, तो आएगा चिल्ड्रंस, ट्रू। टेन नंबर में बर्ड्स लिव इन द नेस्ट, क्या है, बर्ड्स लिव इन द नेस्ट, ये वाला भी राइट है, TRUE, ट्रू। बर्ड्स तो क्या बोलते हैं, बर्ड्स कहाँ रहते हैं, नेस्ट में, नेस्ट यानी माड़ा, माड़ा यानी जो अपना घोंसला बनाते हैं उसको नेस्ट बोलेंगे चिल्ड्रन, बर्ड्स लिव इन द नेस्ट, तो आएगा ट्रू, TRUE, ट्रू। फिर दिया इलेवन नंबर में बर्ड्स डू नॉट ले लेग्स, तो फ्लाई यानी दिया है फॉल्स, यानी सही बात है, वो क्या करते बर्ड्स लोग क्या अपने डू नॉट लाए एग्स, तो क्या अपने उसमें रखते नहीं क्या एग्स, तो यानी एग यानी अंडे, तो फॉल्स, FALSE फॉल्स। फिर दिया है यहाँ पे 12 नंबर में वी हैव ओनली वन आईज इन वन ईयर, ऐसा तो होता नहीं कभी, ओनली आईज वन और वन ईयर, तो ये फॉल्स है, हमेशा टू आईज और टू ईयर होते, तो वी हैव ओनली वन आईज इन वन ईयर, तो ये फॉल्स है, FALSE फॉल्स, FALSE फॉल्स है। 1313 में है फिंगर इज अ पार्ट ऑफ आवर हैंड, तो ये बात भी सही है, तो यहाँ पे आएगा ट्रू, फिंगर जो है पार्ट ऑफ हैंड्स, क्या यानी एक क्या है, भाग, एक हिस्सा, जो हाथ का जो हाथ है का पार्ट, हैंड का पार्ट क्या है, फिंगर ही होता है, मेन पार्ट फिंगर, फिंगर हाथ नहीं होगा तो फिंगर किस होगी फिर, तो फिंगर इज अ पार्ट ऑफ आवर हैंड, तो ट्रू। 14 नंबर में डू नॉट कॉम योर हेयर, तो फॉल्स, यानी कि अपनों को बाल झड़ने में क्या कॉम की जरूरत नहीं पड़ती, हेयर को बनाने में कॉम की तो पड़ती है, तो डू नॉट कॉम योर हेयर, तो फॉल्स, FALSE फॉल्स। 1515 में है लीवर इज एन इनर पार्ट ऑफ द बॉडी, ट्रू, लीवर इज एन इनर पार्ट ऑफ द बॉडी, तो ट्रू, जो लीवर है वो अपने, यानी जो अपने तो जो हिस्सा है अपने शरीर का वो मेन है, तो इसके लिए लिया है TRUE, ट्रू, यानी जो वो अपनी बॉडी का मेन हिस्सा होता है। वापस से देखेंगे, लीवर इज एन इनर पार्ट ऑफ द बॉडी, तो आएगा ट्रू। तो वापस से देखेंगे द लेपर्ड इज अ पेट एनिमल, फॉल्स, क्या है, द लेपर्ड इज अ पेट एनिमल, तो फॉल्स। 6 नंबर में द फिश नीड वाटर टू लिव इन,
ट्रू, कहेगा टी आर यू ट्रू। सेवन नंबर में द लायन इज द किंग ऑफ आवर हाउस, फॉल्स, कहेगा फॉल्स। सी एट नंबर द डियर इज द वाइल्ड एनिमल, ट्रू। नाइन नंबर द मंकी जंप फ्रॉम द ट्री टू ट्री, तो ट्रू, कहेगा ट्रू। टेन नंबर बर्ड्स लिव इन द नेस्ट, तो आएगा टी आर यू ट्रू। इलेवन नंबर बर्ड्स डू नॉट ले एग्स, तो आएगा ए फॉर एल एस सी फॉल्स, फिर है एफ एल फॉल्स। ट्वेल्व नंबर वी हैव ओनली वन आइज एंड वन ईयर, वी हैव ओनली वन आइज एंड वन ईयर, तो यानी फॉल्स, एफ ए एल एस सी फॉल्स। 1313 में फिंगर इज अ पार्ट ऑफ आवर हैंड, फिंगर इज अ पार्ट ऑफ आवर हैंड, तो आंसर यानी राइट है तो टी आर यू ई ट्रू। 14 नंबर डू नॉट कॉम योर हेयर, एफ ए एल एस सी फॉल्स, एफ एल फॉल्स। 15 लीवर इज एन इनर, लीवर इज एन इनर पार्ट ऑफ द बॉडी, लीवर इज एन इनर पार्ट ऑफ द बॉडी, टी आर यू ट्रू, यानी ये राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में आंसर इन वन वर्ड, आंसर इन वन वर्ड। वन नंबर में विच एनिमल हैज द बिग एंड वाइट स्ट्रेप्स ऑन द बॉडी, तो ज़ेब्रा, जेड ई बी आर ए ज़ेब्रा। विच एनिमल हैज द बिग एंड वाइट स्ट्रेप्स ऑन द बॉडी, तो आएगा ज़ेब्रा, जेड ई बी आर ए ज़ेब्रा। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द वन वर्ड। वन नंबर में विच एनिमल हैज द ब्लैक एंड वाइट स्ट्रेप, यानी ब्लैक एंड वाइट के ऊपर क्या होते छप्पर, तो स्ट्रेप्स ऑन, यानी पटे होते स्ट्रेप्स ऑन द बॉडी, तो जेड ई बी आर ए ज़ेब्रा। आपको याद भी हो जाएगा इस तरह से चिल्ड्रन। टू नंबर में विच एनिमल हैज लॉन्ग मैन, एल आई ओ एन लायन, एल आई ओ एन लायन। टू नंबर में विच एनिमल हैज लॉन्ग मैन, विच एनिमल्स हैज लॉन्ग मैन, एल आई ओ एन लायन, विच एनिमल हैज लॉन्ग मैन लायन। थ्री नंबर में विच एनिमल हैज अ हॉप्स, विच एनिमल हैज अ हॉप, तो आएगा सी ए एम ई एल कैमल, सी ए एम ई एल कैमल। विच एनिमल हैज अ हॉप, तो आएगा कैमल। फोर नंबर में है विच एनिमल रन वेरी फास्ट ऑन द सैंड, विच एनिमल रन्स अ वेरी फास्ट ऑन द सैंड, तो सी आएगा सी ए एम कैमल, क्या है कैमल, क्या आएगा सी ए एम ई एल कैमल, तो विच एनिमल रन्स वेरी फास्ट ऑन द सैंड, कैमल, सी ए एम ई एल कैमल, क्या आएगा सी एम ई एल कैमल। पांच नंबर में दिया है विच एनिमल हैज अ लॉन्ग ट्रंक, विच एनिमल हैज अ लॉन्ग ट्रंक, अ बिग ईयर, क्या है विच एनिमल हैज अ लॉन्ग ट्रंक, अ बिग ईयर, यानी ब्लैंक में आएगा ई एल ई पी एच एन टी एलिफेंट, ई एल ई पी एच एन टी एलिफेंट। तो विच एनिमल हैज अ लॉन्ग ट्रंक, अ बिग ईयर्स, तो आएगा एलिफेंट, ई एल ई ई एल ई पी एच एन टी एलिफेंट। सिक्स नंबर में विच एनिमल हैज लॉन्ग नेक, विच एनिमल्स हैज लॉन्ग नेक, जी आई आर ए डबल एफ ई जिराफ, विच एनिमल्स हैज लॉन्ग नेक, तो जी आई आर ए डबल एफ ई जिराफ। सेवन नंबर में आई एम द किंग ऑफ द जंगल, आई एम द किंग ऑफ द जंगल, तो एल आई ओ एन लायन। एट नंबर में आई गिव मीट टू इट, तो जी ओ ए टी गॉट, जी ओ ए टी गॉट। नाइन नंबर में आई लाइक टू कैच
too. I like to catch the rat. तो cat क्या है? cat.